हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट पार्ट एक, पार्ट का नाम है भारत प्यारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कवि जो है भारत की सांस्कृतिक और बाकी खूबसूरती के बारे में भी बताता है कि भारत को कैसे संवारा गया है, और वह भारत में एक वसुधैव कुटुंबकम, भारत में एक वसुधैव कुटुंबकम की को भी वह साबित करना चाहता है, बताना चाहता है कि हमारा देश एक जिसमें हर धर्म हर जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के कैसे रहते हैं। तो हम लोग पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। देश हमारा भारत प्यारा, हमारा देश हमारा भारत हमें सबसे प्यारा है, और यह बाकी देशों से सारे देशों से न्यारा भी है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत भी है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। ऋषि मुनियों यानी कि तपस्वियों ने, मननियों ने इसे, मनस्वी तपस्वी जो हैं जिन्होंने तपस्या करके या फिर अपने संस्कृति को इसके संवारा है, उन्होंने अपनी अच्छी संस्कारों की वजह से भारत में अच्छे संस्कार दिए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इन्होंने ही भारत को अपने हाथ से संवार कर इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाया है, इसमें संस्कार भरे हैं। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है, इसके चरणों को पखारता जलनिधि हिंद हमारा है। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना नदी जो है वह ऐसा लगता है कि हमेशा इसकी सेवा में ही बहती रहती हो, क्योंकि पूरे भारत में ही ये नदियाँ बहती हैं, और गंगा जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और जो हमारे भारत में ही है। तो ये आता है कि ये नदियाँ जो हैं हमारी जैसे भारत की सेवा में ही बहने के लिए ही यहाँ अवतरित हुई हों। इसके चरणों को पखारता जलनिधि हिंद हमारा है। हम जानते हैं कि हमारे देश के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, जो हमारे दक्षिणी तट को छूते हुए ही बहता है। तो वो जैसा लगता है जैसे वह इसके चरणों को रोज प्रतिदिन धोता रहता हो, पखाना मतलब धोना। मनुजों को ही नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है, दिन में करता सूर्य रात में शशि करता उजियारा है। यह देश सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्यारा है, क्योंकि कई बार देवताओं ने भारत में ही मानव रूप धारण कर अवतरित हुए हैं, इसलिए यह देवताओं को भी प्यारा है। इस देश की वंदना देवता भी करते हैं। यहाँ पे दिन में सूर्य रोशनी देता है तो रात में चंद्रमा रोशनी देता है, उजाला देता है, शशि अर्थात चंद्रमा। शशि जो है चंद्रमा का ही एक पर्यायवाची शब्द है, तो रात में चंद्रमा उजाला करता है और दिन में सूर्य करता है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है। भारत ने सारी दुनिया को ही ज्ञान दिया है, भारत के पास जो ज्ञान जो है वो कहीं भी नहीं है, और समय पड़ने पर आवश्यकता के अनुसार भारत सबके लिए सहारा ही बना है। सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। यह अपने प्यार से हर किसी को भी जीत लेता है, इसलिए यह कभी किसी से हारा नहीं, क्योंकि यह सबसे प्यार करना जानता है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है, यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आँखों का तारा है। हारे यानी कि अगर किसी युद्ध में कोई शत्रु इससे हार भी जाए तो उसे यह बंधु अर्थात भाई कहकर ही पुकारता है, इसलिए यह देश हमको अपने प्राणों से भी प्यारा है, और बहुत ही प्यारा जैसे आँखों का तारा, बहुत ही प्यारा है हमारा देश। यह हमारा देश हमें सबसे प्यारा है। तो यह हमारा पोयम है बेटा, आप लोग इसे लर्न भी कर लोगे और एक चार्ट पेपर पे बड़े ही खूबसूरत ढंग से इसको सजा करके जैसे भी हो आप इसको अच्छे से लिखोगे, और जब स्कूल रीओपन होगा तो आप सबमिट करोगे। ओके?